कराची में सिंध और बलूचिस्तान की खवातीन सहाफ़ियों ने कम मुआवजे में माहौल दोस्त अशिया बनाकर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने न सिर्फ अपने मुनफरद आइडियाज़ पेश किए बल्कि उसको दही खवातीन का जरिया माश भी करार दिया। कराची के निजी होटल में तहकीकी इदारे इंडिविजुअल लैंड के ज़ेरे एहतमाम बलूचिस्तान और सिंध की ख़वातीन सहाफ़ियों की जानिब से डिजिटल मीडिया बिजनेस के उनवान पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का मकसद बाइख्तियार ख़वातीन की हौसला अफजाई करना था। ख़वातीन सहाफ़ी ने अपने प्रोजेक्ट्स पर प्रेजेंटेशंस भी पेश किए। तकरीब में अमरीकी कौंसल खाना के चीफ डिप्लोमेसी ऑफिसर माइकल ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में माइकल ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि and to see today how many wonderful ideas are coming to fruition from these women, you know, what I can say is just that we think that this is very important, both press freedom and women's empowerment. But what you can really benefit from today is to talk to the women who are here, hear their stories, learn about their programs. I encourage all of you to interview each of these women and find out more about the great things that they are doing. देखें, अभी ये जो इंडिविजुअल लैंड के ज़रिए तमाम दो साल तरबियती प्रोग्राम था और इस तरबियती प्रोग्राम के अंदर हमने बहुत सारी वर्कशॉप्स करवाई सिंध और बलूचिस्तान के अंदर। इसमें जो टोटल पार्टिसिपेंट्स थे वो 125 थे। इन 125 वेमेन जर्नलिस्ट को हर ट्रेनिंग के अंदर जो सिखाया गया, जो पढ़ाया गया, जो प्रैक्टिकल वर्क करवाया गया, उसी के हवाले से फिर इनको टास्क दिए गए। आज ये 15 बेस्ट जो जर्नलिस्ट हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं सिंध और बलूचिस्तान, वहाँ से उनका इंतखाब हुआ। समझता हूँ कि देखें, आज के दौर में हमारे मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं, ख़ास तौर पर तरबियत देने के हवाले से जर्नलिस्ट को, ख़ास मेल जर्नलिस्ट, हत्या कि उनकी तरबियत का भी बड़ा फुकदान है, और वेमेन जर्नलिस्ट के लिए तो बहुत मुश्किल है। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान जैसे पसमानदा इलाके के अंदर या सिंध के अंदरून सिंध पसमानदा इलाकों के अंदर इनकी तरबियत का कोई ऐसा ज़रिया नहीं है। तो बलूचिस्तान और सिंध जहाँ बहुत पसमानदगी है, गुरबत है, ऐसे में वहाँ की ख़वातीन जर्नलिस्ट या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को चुना गया कि उनको तरबियत दी जाए ताकि वो ना सिर्फ आगे चल के एक अच्छी जर्नलिस्ट बने, अच्छे तरीके से काम कर सकें, बल्कि वो सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म बना के उससे अर्निंग भी करें और अपना और अपनी फैमिली का सहारा भी अच्छे तरीके से बन सकें। अन इदाद का इंडिविजुअल लैंड पाकिस्तान गुमा दो साल में प्रोग्राम बुद्धा की शितुका माँ जानीन आदम के आवती आइडियाज़ ब्यारन दीमा और कुजाम भी एक स्टार्टअप ही डिजिटल मीडिया स्टार्टअप सरकार कनक लूटा आवती आइडियाज़ दीमा ब्यारा गुड़ामी सब में मल्टीपल पेज बुद्धगा इनको मैं ट्रेनिंग दिया बुद्धा दी एक इंस्टाग्राम में पेज बनाया था जो कि लीव्स टू लेके सी है और आई सर अमा बलूचिस्तान अमा के जानी नस्ता के आप प्रोडक्ट बनाए नगा हम बलूची दस्तकारी जैसा कि पीछे पात आई रघुशाह अमा प्रोडक्ट इन सरा कार का नगा हाँ और मर्चिन जो कि इवेंट अस्ते आनी शोकेसिंग इवेंट बुता और आई तो का मार्च के कार को दा आनी पेज दाश्ता और अमा इन सरा कार को गए मनी ए जैनात का ये प्रोजेक्ट ये वाला के मानवती जो इलाका है कसानी इलाका है जनेन जो अस्ता आलूगा निश्तगा या तो आनी इनकम इंचो नहीं ना या यानी जो फैमिली मेंबर्स जो अस्ता आना सपोर्ट नकना देमा आया के वास्ता गुड़ मन लोटा के मन आया ज़्यादा से ज़्यादा होती प्रोजेक्ट ता इन्वॉल्व बेकना ताकि आ ब्या आना मौका भी मिली लोग निंदगे जागे ची आ अर्निंग बेकन अंति जो कि मनी वास्ता एक भलाई चैलेंज गप्पी कि मैं कह रहा जो बलूच फैमिली अस्ता आ इंचो सपोर्ट नकन अंति बुरा ए मनी वास्ता एक भलाई चैलेंज बिता कि माँ वो प्रोजेक्ट छूँ स्टार्ट करना मनी जो प्रोजेक्ट अस्ते हैं बलोच एम्ब्रॉयडरी सराई जो कि एक शौकी एक हार्ट है तो गोश्त कने के इसी तरह यानी कि सख बाज मेहनत करना पड़ी थे। प्रोग्राम का इख्तिताम पैनल डिस्कशन से हुआ जिसमें खवातीन को बा इख्तियार बनाने पर जोर दिया गया। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अनम लोधी, वश न्यूज़, कराची।